आज की वीडियो में सीखेंगे टॉप 12 एक्सेल शॉर्टकट कीज के बारे में। स्क्रीन पर दी गई सभी शॉर्टकट कीज को एक एक करके समझेंगे। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पर देखिए, यदि आप इस डेटा टेबल में फिल्टर लगाना चाहते हैं तो इस डेटा टेबल में कहीं भी क्लिक कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एल प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा में फिल्टर अप्लाई हो गया है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके आप फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। इसके लिए हम यहाँ शिफ्ट 3 पर आ जाएंगे। कंट्रोल डी का उपयोग किसी पिक्चर शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक्सेल चार्ट है। इस चार्ट की यदि हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ हम इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई है। इसी तरह से यदि हम इस शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टिल्ड। ये एस्केप की के नीचे होता है। इसके लिए हम यहाँ शीट 4 पर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ इस डेटा टेबल में बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। अब यदि हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके टिल्ड की प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं डेटा टेबल में अप्लाई किए गए सभी फॉर्मूलाज यहाँ पर दिख जाएंगे। वापस से कंट्रोल टिल्ड प्रेस करेंगे तो शीट नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ इस डेटा टेबल में यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाए गए हैं। और यदि हम इस डेटा में से फॉर्मूला हटाना चाहते हैं यानी इन वैल्यूज को एज ए वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके वी प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने टेस्ट स्पेशल का विंडो आ जाएगा। या डाउन एरो का प्रयोग करते हुए हम इसे वैल्यू पर ले आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी सेल में फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पर हट जाएगा। ये फिर से हम कंट्रोल टिल्ड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेल में से फॉर्मूला हट गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। इसके लिए हम यहाँ शीट 5 पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यूज दी गई है इनको यदि हमें करेंसी में करना है तो इसके लिए सिंपली हम इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डॉलर साइन प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे सभी वैल्यूज करेंसी में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। मान लीजिए यहाँ पर इन सभी सेल्स को हम परसेंटेज फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके परसेंटेज प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स में जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो परसेंटेज में आएगी। जैसे हम यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये सभी सेल्स परसेंटेज फॉर्मेट में हो गई। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F4। मान लीजिए 7th रो के ऊपर हमें एक रो इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ ये 7th रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। अब यदि हम यहाँ पर और भी रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको F4 प्रेस करना है। जितनी भी बार आप F4 को प्रेस करेंगे उतनी ही रोज इंसर्ट होते जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। F4 क्या करता है? F4 लास्ट कमांड को रिपीट करता है। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल भी प्रेस करके हमने बोल्ड कर दिया। अब यदि आप सभी को बोल्ड करना चाहते हैं सेल को सिलेक्ट करें और F4 प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो F4 की सहायता से हम लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए इसका। मान लीजिए यहाँ पर हमें इस सेल में कलर करना है तो हम यहाँ होम पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई कलर कर देते हैं। अब किसी अन्य सेल में हम कलर